हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का स्टडी मटेरियल जो 2021 में इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं, जो नया स्टडी मटेरियल आया है, उससे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। अभी तक हम लोगों ने ओल्ड स्टडी मटेरियल 2020 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। क्या ओल्ड और न्यू स्टडी मटेरियल में कोई डिफरेंस है? हम बोल रहे हैं जो ओल्ड स्टडी मटेरियल है उसमें जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन न्यू स्टडी मटेरियल में भी है, लेकिन सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है। नया स्टडी मटेरियल में चार इलुस्ट्रेशन जोड़े गए, फोर इलुस्ट्रेशन ऐड किए गए हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6, 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड स्टडी मटेरियल होगा उसका 4, 5, 6, 7 जो होगा वो इस स्टडी मटेरियल में क्या होगा, 8, 9, 10, 11 इस तरह करके दिया हुआ होगा। जैसा कि आप देख भी सकते हो स्क्रीन के बगल में कि मैंने चार्ट दिखलाया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कि ओल्ड चार्ट, ओल्ड स्टडी मटेरियल में सीक्वेंस क्या थे और न्यू स्टडी मटेरियल में सीक्वेंस कौन कौन है जो सेम है, और जो एडिशनल है वो भी आपको दिख रहा होगा कि सर एडिशनल क्वेश्चन भी चार जोड़े गए इलुस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 और 7। हम बोले हाँ, ये एक डिफरेंस है ओल्ड और न्यू। अगर आप नया मैथ से क्वेश्चन बना रहे हैं तो पहले जो चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है उससे अपने नए स्टडी मटेरियल में ओल्ड का नंबरिंग लिख लो। जैसे जो ओल्ड स्टडी मटेरियल है उसमें जो इलुस्ट्रेशन नंबर 5 है वो तुम्हारे नए स्टडी मटेरियल का इलुस्ट्रेशन नंबर 8 है। तो जब तुम अपने नए स्टडी मटेरियल को देख रहे हो तो अपने नए स्टडी मटेरियल के इलुस्ट्रेशन नंबर 8 को गोल सर्कल कर लो और वहां क्या लिखो, इलुस्ट्रेशन नंबर 5। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब तुम मेरा वीडियोस देखोगे तो तुमको जब इलुस्ट्रेशन नंबर 8 का सोल्यूशन चाहिए होगा तो मेरे ओल्ड वीडियो में वो किस नंबर पे होगा, वो मेरे ओल्ड वीडियो में इलुस्ट्रेशन नंबर 5 के तौर पे होगा। बात समझते हैं मेरा? चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन को ले रहे हैं जो कि नया ऐड किया गया है, एडिशन किया गया, इलुस्ट्रेशन नंबर 4। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 जो इस बार का मैट है उसमें दो मिस्टेक है। एक जिसमें लिखा है इंफॉर्मेशन का बात कर रहे हैं तो वो दिख भी रहा होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020, पैसा बताया ही नहीं है। एक्चुअली में वो मिसप्रिंट है, वहां भूल गया लिखना। उसका अमाउंट होगा 40,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट कितना होगा, 40,000, जो नहीं है तो वो दिख भी रहा होगा कि हाँ सर वो अमाउंट लिखा नहीं है। जब अगले बार नया मैट आएगा तो वो ठीक कर देगा इंस्टीट्यूट। और दूसरा गलती क्या है, डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020, रेट बताया ही नहीं है। तो हम बोल रहे हैं रेट लेना है 25%। तो ये दो मिसप्रिंट है, गलती नहीं बोलेंगे हम, लेकिन मिसप्रिंट है। आगे चल के जब इंस्टीट्यूट रिवाइज करेगा अपना मैट को अगले साल, जब नया बुक प्रिंट होगा तो वो ठीक कर लेगा। तो ये दो बुक हम, ये दो मिस्टेक जो है जो दिख भी रहा है कि हाँ सर नहीं है। हो सकता है जब तुम्हारे पास ये वीडियो तुम देखने आए हो, तुम्हारे जो मैट आया हो उसमें इंस्टीट्यूट ने ठीक कर दिया है, मेरे पास जो पीडीएफ अवेलेबल है उसमें वो गलती सुधारा नहीं गया है, हम लोग ठीक करा लिए। क्या, एक कि सर आउटस्टैंडिंग सैलरी है 40,000 और दूसरा डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 25% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर। हम बोले चलो आओ सवाल पढ़ते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 तुमको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इलुस्ट्रेशन नंबर 4, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च का। टू बैलेंस बीडी, ये क्या है सर, ये तो कैश है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्रिप्शन 2 साल का दिया हुआ है, पिछले साल का 65 और इस साल का 3,55,000। डोनेशन एंट्रेंस फी टोटल 8,10,000। पेमेंट सैलरी एंड वेजेज, ऑफिस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो तो एसेट्स है, टेलीफोन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, बैलेंस सीडी। सर बैलेंस सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश। हम बोले हाँ। इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 55,000। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 55,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 नहीं बताया है, हम बोल रहे हैं 40,000 लिखिए। उसके बाद डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स फॉर द ईयर 2020 नहीं बताया है रेट, 25% डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट द रेट 25%। कैपिटलाइज 50% ऑफ द
इंट्रेंस फी। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है कि सर जो 50% होगा वो लाइबिलिटी बन जाएगा। कैपिटलाइज करने बोल रहा है इनकम को, इनकम को कैपिटलाइज करने से क्या बन जाता है लाइबिलिटी। सर एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने से एसेट्स। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फ्रॉम द एबव पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। तो हम लोगों को सिर्फ क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर याद दिलाएं। कैसे बनाते थे हम लोग सर, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आइटम रिकॉर्डेड है वो सिर्फ एक बार आता है, या तो इनकम एक्सपेंडिचर में, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हम बोले हां रिसिप्ट साइड का चीज या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है। हम बोले ठीक, लेकिन बैलेंस बीडी को छोड़ करके, हम बोले हां, और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को छोड़ करके, इन दो आइटम को छोड़ करके बाकी जितने भी आइटम होंगे या तो वो क्या होंगे, हम बोले सर या तो वो एक्सपेंस इनकम होंगे या फिर वो लाइबिलिटी होंगे। पेमेंट साइड में जो आइटम है वो क्या है, हम बोले सर पेमेंट साइड में जो आइटम है या तो वो एक्सपेंस है या फिर वो एसेट्स है। बात ठीक, एक्सेप्ट अगर कभी आपको पेमेंट साइड में बाय बैलेंस बीडी दिख जाए तो वो क्या है, हम बोले सर वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो लाइबिलिटी है। बात समझ रहे हैं मेरा। ऐसे ही सीखे हम लोग स्टार्टिंग में एनपीओ, हम बस उस स्टार्टिंग का चीजों को याद दिला रहे हैं, हम दोबारा से नहीं बता रहे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नीचे का इंफॉर्मेशन दो बार ट्रीटमेंट होता है, एक बार इनकम एक्सपेंडिचर में, दूसरा बार या तो ओपनिंग में या तो क्लोजिंग में, दो बार पक्का होगा नीचे का बात। हम लोग क्या बनाना, हम लोग को तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से मतलब है, हम लोग को मतलब ही नहीं है बैलेंस शीट से। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, चलो शुरू करें। सबसे पहले सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को लेंगे। हम बोले हां रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीडी, सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, हम लोग नहीं बना रहे मतलब नहीं। सब्सक्रिप्शन इनकम है तो बाय सब्सक्रिप्शन, पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सर इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, दोनों साल का पैसा जोड़ लेंगे 4,20,000। नेक्स्ट डोनेशन, क्या इस पे कोई टिक है? नहीं, सीधा बाहर कर दो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधा बाहर में। अमाउंट 55,000। इंट्रेंस फी बाय इंट्रेंस फी, क्या इस पे कोई टिक है? हम बोले हां 85,000, टिक है, पैसा अंदर। रिसिप्ट साइड खत्म, पेमेंट साइड आइए, सैलरी एंड वेजेस टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में। अमाउंट 1,65,000। ऑफिस एक्सपेंस अमाउंट 35,000, ठीक नहीं है, सीधा बाहर। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सर वो तो एसेट्स है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। हम बोले हां टेलीफोन चार्ज, टेलीफोन चार्जेस 28,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अमाउंट 32,000। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ₹65,000। उसके बाद बैलेंस सीडी, सर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश है। हम बोले हां तो खत्म हो गया ऊपर का बात, नीचे का बात पढ़ते हैं। पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31st March 2020 55,000। सर ये क्लोजिंग है तो प्लस कर देंगे, क्यों प्लस करते हैं सिखा चुके हैं 55,000। क्या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी? हम बोले हां, ऊपर में देखो 18-19 का पैसा अगर हमको इस साल मिला है इसका मतलब वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रहा होगा, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो इस साल के लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, क्या करेंगे माइनस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 65,000। हम बोले हां सर इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां होता? हम बोले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, क्योंकि बनाना तो है नहीं बैलेंस शीट हमको। सेकेंड आइटम आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर ये क्लोजिंग है प्लस कर दीजिए, कितना 40,000। सर लिखा नहीं है, हम बोल रहे मिसप्रिंट है, क्वेश्चन से छूट गया है,
नया बुक जब छपेगा वो ठीक कर लेगा, जोड़ के बाहर 2,05,000। इसका भी जोड़ के बाहर कर लेते हैं 4,10,000। अगला नाम, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल एट द रेट 25%। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, खर्चा में, एक्सपेंडिचर में लिख दो, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है, 3,42,000। उसके ऊपर कितना परसेंट, 25%। तो 3,42,000 का 25% 85,500। अगला, कैपिटलाइज एंट्रेंस फी। तो सर एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है 50%, तो 50% इसमें से निकाल के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में डाल देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट का। कैपिटलाइज कितना परसेंट, हम बोले 50%, तो 85,000 का 42,500। खत्म, सारा आइटम खत्म। चलिए प्लस माइनस करें और प्रॉफिट लॉस निकालें। आइए देखें, 4,10,000 प्लस 55,000 प्लस 42,500, 5,07,500। उसके बाद 2,05,000 प्लस 35 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 65 प्लस 85,500। इसमें से इन सबको माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमले सरप्लस। आइए सरप्लस निकाला जाए, आइए सरप्लस 57,000। ये क्या बन गया हम लोग का इलुस्ट्रेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जो काफी इजी था। क्वेश्चन में मिस्टेक है, हम फिर से याद दिला दें कि सर आउटस्टैंडिंग सैलरी और डेप्रिसिएशन का रेट बताया नहीं है, हम आपको बोल रहे हैं वही होगा क्योंकि आंसर में वही है। ठीक है, बात नया मैट आएगा वो ठीक हो जाएगा। लिखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 5, आइए पढ़े क्या है। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब सो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्वेश्चन क्या बोला है कि मैच फंड और मैच एक्सपेंस को किस अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप दिखाएंगे और किस तरह दिखाएंगे ये बताइए, कुछ बनाने नहीं बोला है वो। मैच एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000, मैच का खर्चा कितना है 1,10,000, मैच फंड 30,000, डोनेशन फॉर मैच फंड 55,000, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट 20,000। इतना सा बात दिया हुआ है। क्या हम लोग फंड को पढ़े हैं बहुत अच्छा से, क्या हम बोले हैं कि फंड लायबिलिटी होता है जी, और फंड से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस और इनकम होता है एक्सपेंस को माइनस करते हैं और इनकम को प्लस करते हैं, बिल्कुल। फिर हम ये भी बताए हैं और लिखवाए भी होंगे कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैच फंड से एक्सेस मैच एक्सपेंस हो जाए तो जहां तक मैच फंड रहेगा और वहां तक ही एक्सपेंस लेंगे, उससे जो एक्सेस एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हम बोले हां, चलो देखे इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम बोले मैच फंड कितने का मैच फंड है 30,000 बैलेंस शीट। उसके बाद अब क्या करेंगे सर, जो जो इनकम हुआ उसको जोड़ लीजिए। आओ इनकम देखें, डोनेशन मिला है मैच फंड के लिए, डोनेशन फॉर मैच फंड कितने का 55,000। टिकट बेचे हैं तो उससे ही पैसा मिला है मैच फंड के लिए, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच फंड कितना 20। तो अभी तक मैच फंड में कितना पैसा है, हम बोले सर 1,15,000 माइनस मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस कितना है, हम बोले सर मैच एक्सपेंस तो 1,10,000, सॉरी ये 1,05,000 हो रहा है। मैच एक्सपेंस कितना है 1,10,000। क्या एक्सपेंस ज्यादा है फंड से, हम बोले हां।
तो हम बोले सर कितना ज्यादा है, 5,000। तो हम बोले जो 5,000 एक्स्ट्रा आ जाएगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। हम बोले हाँ। तो सर 1,05,000 से मैच एक्सपेंस यहां पर आप माइनस कर लीजिए, बाहर कितना निकलेगा। हम बोले बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं बचेगा, जो एक्सेस खर्चा है वो यहां आ जाएगा मैच एक्सपेंस। ये क्या है, ओवर एंड एक्सेस मैच फंड। जो मैच फंड से अधिक खर्चा हो गया है उसके ऊपर। क्या ये बात हम पहले सिखा चुके हैं? हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इस पर बहुत बात हुआ है। लिखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जोधपुर लिटरेरी सोसाइटी वेयर 4,50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 4,50,000। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। पिछले साल का भी इस साल हमको 20 मिला, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, 20। मतलब सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हम लोग किस साल का बना रहे हैं, 20 का, और ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 19 का है, तो इस साल के लिए तो ओपनिंग हो जाएगा। हम बोले हाँ, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 20,000। ऑन 31st March 2020 इस साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 15,000। सर इस साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 15,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बट पर्टेनिंग टू 2021 अमाउंटेड टू ₹26,000। बोल रहा है 2021 का सब्सक्रिप्शन हमको 2020 में मिल गया। सर ये क्लोजिंग एडवांस है, आने वाले समय का पैसा अभी ले लिए। क्या करना होता था सर, क्लोजिंग एडवांस को माइनस करते थे और जो आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते थे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करते थे। हम बोले बिल्कुल। फिर आगे लिखा है, दिस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31st March 2020 इंक्लूड द एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर 31st March 2019 अमाउंटिंग टू ₹18,000। बोल रहा है पिछले साल का एडवांस भी इस साल इंक्लूड है। तो हम बोले सर 19 वाला जो है वो तो ओपनिंग एडवांस है। हम बोले हाँ, जो 19 वाला है वो ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस का ट्रीटमेंट सर प्लस करते थे किसमें, हम बोले इनकम और एक्सपेंडिचर में, ताकि इनकम साइड में हम लोग सब्सक्रिप्शन निकाल सके। हम बोले अच्छा, आगे बढ़ा जाए। फिर लिखा है, What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 as income from subscription? So the subscription account in the books of society. वो बोला है subscription account बना के दिखलाइए। क्या हम लोग सीखे हैं? हाँ, हम लोग subscription account भी सीख के रखे हैं कि subscription account कैसे बनता है। बोले चलो, क्या बनाना है? Subscription account। आओ बनाए subscription account। इन दी बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में बनाना है? जयपुर लिटरेरी सोसाइटी। पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे, यहां क्या लिखेंगे सर? यहां पे लिखेंगे ओपनिंग एडवांस। ओके, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस नहीं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन बताया है 20,000। फिर यहां पर सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना? 15,000 और बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन जो नीचे में बताया था कितने अमाउंट का, 18,000 क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग एडवांस है 26,000। यहां पे आता था क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और यहां पे आता है क्या? बाय कैश या बैंक।
ये क्या है सर? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए हैं वो कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किए थे? 450,000। हम बोले बिल्कुल। क्या बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर? जी 483,000 में 46,000 गया तो 437,000। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 6 का सिंपल सॉल्यूशन। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालने बोला है, मतलब ये वाला निकालने बोला है। तो जाहिर सा बात है अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 6 चीज रिकॉर्ड करते हैं तो 5 चीज तो बताना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, तभी हम निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, वो तुमको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बताएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बता देगा, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस बताएगा, ओपनिंग एडवांस बताएगा और रिसीप्ट पेमेंट का रिसीप्ट बताया कितना रिसीप्ट हुआ है। तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलेगा? सब्सक्रिप्शन। हम बोले हाँ चलो पढ़े और देखें। लिखा है एक क्लब है 350 मेंबर्स। एक क्लब के पास कितना मेंबर है? 350। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। हर मेंबर कितना पेमेंट करता है एनुअली? 1050। तो हम बोले सर इनकम तो मालूम चल गया, जब मेंबर है 350 और हर मेंबर से मिलेगा 1050 तो मल्टीप्लाई करने से मेरा एनुअल इनकम इतना होता है। हम बोले हाँ, तो एनुअल इनकम मल्टीप्लाई करके आएगा 367,500 कि हाँ ये मेरा इनकम है, चाहे मिले ना मिले इतना तो दिखाना ही पड़ेगा इनकम के रूप में। हम बोले बिल्कुल। आगे पढ़ो, द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर सोल्ड 410,000। रिसीप्ट पेमेंट में कितना दिखाई दे रहा है? 410,000। दो चीज भर दी। आगे बढ़ते हैं, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2019। बना रहे हैं 20 का, बता रहा है 19 के बारे में। सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, कितने का? 45। ये है 2019 का, बना रहे 20 का, तो ओपनिंग का बात कर रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2020 62,000। ये कौन से साल का? सर इसी साल का, तो ये क्लोजिंग है 2020 का क्लोजिंग एडवांस 62,000। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2019। ये कब का है? बोले सर ये ओपनिंग का एडवांस है, 2019 के बारे में बात कर रहा है। कितना? 30,000। चलो जोड़ा जाए, अपने आप बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्वेश्चन पूछा है 2020 का, ये जो निकलेगा ये कब का निकलेगा? हम बोले सर 2020 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पहले ऐड करें, ये जोड़ के आएगा 474,000। 474,500 माइनस 440,000, तो 34,500 बैलेंसिंग फिगर। तो ये खत्म हुआ हम लोग का इलस्ट्रेशन 7, और हम लोग का जो नया मैट में 4 क्वेश्चन ऐड किया था वो भी खत्म हो गया। क्या ये 4 क्वेश्चन हम ना भी बनाते तब भी बन जाता? हम बोले हाँ तब भी बन जाता, ऐसा सीखने लायक कुछ बात ही नहीं था क्वेश्चन के साथ, बस झूठ मूठ का बढ़ा दिया गया, फिर भी था तो हम लोग बना लिए। मेरा बाकी जो वीडियो है क्या वो नया मैट से? हम बोल रहे हैं फिर से सुनो दोस्त, नया मैट पुराना मैट दोनों में सेम क्वेश्चन है, हो सकता है सीक्वेंस गड़बड़ा दिया हो, तो सीक्वेंस तो हम दिखाई दे रहे हैं, फिर से दिखा रहे हैं, देखो सीक्वेंस क्या है। इस सीक्वेंस से अपने नए मैट में नंबरिंग कर लो ताकि पता रहे कि जब तुम नए मैट से मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, क्योंकि वो तो जब हम बनाए थे 2020 में उस समय मैट थोड़ी आया था 2021 का, तो 2020 में वीडियो तो बन चुका, हम डिलीट करेंगे नहीं उसको, क्योंकि वो सेम सेम क्वेश्चन है, बस नंबरिंग अलग है, तो किसी नंबरिंग के लिए हम बदल नहीं देने वाले। तो अपने नए मैट में इस जो चार्ट दिख रहा है ओल्ड मैट का क्वेश्चन का नंबर अपने उस नए मैट के नंबर में लिखो कि हाँ सर ये ओल्ड वाला जो क्वेश्चन जो मेरा नया मैट में इलस्ट्रेशन 8 है वो ओल्ड मैट में इलस्ट्रेशन नंबर 4 था, तो ताकि मैच करा पाए कि हाँ
अगर हमको 8 नंबर का सोल्यूशन देखना है तो हमको इलिस्ट्रेशन नंबर 4 देखना पड़ेगा, तभी वो मैच होगा। बात समझते हैं मेरा? इसी तरह करके हम सारा चैप्टर का चार्ट बनाए हैं ओल्ड न्यू से कंपेयर करके, कि ताकि डिफिकल्टी ना हो और आराम से वीडियो देखा जा सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल में सभी के सभी स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, प्लेलिस्ट के अंदर सारे चैप्टर्स के नाम से फोल्डर मिलेगा, उस चैप्टर के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।